हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्ज़ाम तो नीट एग्जाम के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि पहले आए हुए हैं या फिर जिनके आने के चांसेस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसके अलावा आपके जो और भी मेडिकल एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एम्स वगैरह हैं तो उनके क्वेश्चनस भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ मैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ बना रही हूँ नीट एग्ज़ाम के लिए जो कि नीट के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे सो वन बाय वन हम हर एक चैप्टर को यहाँ पे इस तरीके से उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं सो so, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो so, दैट आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी सो so, ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो so, ये कौन सा चैप्टर है पहले मैं आपको बता देती हूँ तो डाइजेशन एंड अब्सॉर्बेशन है जो कि आपकी इलेवन क्लास के अंदर चैप्टर है सो so, आपका वही वाला चैप्टर है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं बट उससे पहले यहां पर देखो जैसे ये न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक है तो न्यूट्रिय से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि आपका डाइजेशन के अंदर ही आता है तो पहले हम न्यूट्रिएंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट डायजेस्ट एंड ऑब्जॉप्शन में जो एलिमेंट्री कैनाल है ऑन उससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो so, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ नॉट ए फैट सोलेबल इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि फैट के अंदर सोलेबल नहीं होता तो हमें पता है कि जो हमारे विटामिन हैं वो दो तरीके के होते हैं एक वाटर सोलेबल और एक फैट सोलेबल तो वाटर सोलेबल के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं बी और सी हमारे कौन से होते हैं वाटर सोलेबल तो यहाँ से ऑप्शन है इसे एलिमिनेट हो जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी है ना मतलब बी तो हमारा कैसा है वाटर सोलेबल विटामिन है बाकी ए डी ई एंड के ये सारे हमारे कैसे होते हैं फैट अवेलेबल विटामिन तो वो है कि इनमें से कौन सा फैट अवेलेबल नहीं है तो बी हमारा फैट अवेलेबल नहीं है ये कौन सा है वाटर सोलेबल विटामिन है ये चीज क्लियर हुई क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड देखो ऑफ ऑफ वन द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमरेजिक तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे जैसे ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड को फ्लो होने से रोकता है ब्लड को फ्लो होने से रोकता है आई I मीन mean, कि जैसे आपको कोई इंजरी हुई तो ब्लड क्या होता है मतलब फ्लो करता है तो उसके बाद क्या होता है ब्लड बॉडी से बाहर आना रुक जाता है क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की तो उसके लिए कौन सा वाला विटामिन ज़रूरी होता है तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो विटामिन के है जो कि हमारे को ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है तो ये जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बना रही, बता रही हूँ तो आप एक कॉपी ले लो और इससे साथ साथ क्वेश्चन को और इन आंसर्स को नोट डाउन कर लो और इससे आंसर से रिलेटेड जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ उसे भी साइड में ब्रैकेट में लिख लेना ठीक है तो अभी हम इस वाली वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस और डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो तो अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक मतलब आप चाहते हो तो आप वो भी कमेंट में सेक्शन में करके बता सकते हो सो तो मैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियो बना दूंगी ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन है जिसकी हम आपको यहाँ पे डाइट दे रखी है फाइव ग्राम वो क्या खाता है रॉ शुगर तो रॉ शुगर हमारी क्या होती है कार्बोहाइड्रेट हमें पता है शुगर्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है फोर ग्राम एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन खाता है दस ग्राम बफेलो घी खाता है यानी कि फैट है ना और दो ग्राम वेजिटेबल घी ये भी क्या है हमारा फैट है और इसके अलावा फाइव ग्राम लिग्न तो लिग्न हमारा क्या होता है जो हमें प्लांट से मिलता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता तो आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पर्सन को कितनी कैलोरीज मिलेंगी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथमेटिकल है मतलब बहुत ही सिंपल है वैसे तो हमें पता है कि हमारे को जो कार्बोहाइड्रेट है उससे कितनी कैलोरीज मिलती हैं फोर ग्राम कैलोरीज मिलती हैं फोर किलोग्राम कैलोरीज इसी तरीके से प्रोटीन से हमारे को कितनी कैलोरी मिलती है फोर किलो कैलोरी पर ग्राम ठीक है पर ग्राम से मिलती है हमारे को और यहाँ पर भी वो किस में डाइट ले रहा है पर ग्राम में ले रहा है तो और हमारे को जो वेजिटेबल घी है और जो हमारा ये फ़ैट है फैट से हमारे को कितनी किलो कैलोरीज मिलती हैं नाइन किलो कैलोरीज तो आपको कुछ नहीं करना फ़ाइव इंटू फोर कर देना है फोर इंटू फोर फोर कर देना है और इसके अलावा देखो फैट हमारे को इस पर्सन को कितना ले रहा है ये टेन और टू तो कितना हो गया ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू नाइन कर देना है तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन फोर फोर ठीक है वन फोटी फोर आंसर आ जाएगा और ये लेकिन तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो इससे कोई भी कैलोरीज हमें नहीं मिलेंगी ठीक है तो इससे आपका आंसर वन फोर्टी फोर आ जाएगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे भी कमेंट में करके बता सकते हो तो सो मैं उसके लिए अलग से वीडियो फॉर्म कर दूँगी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इस कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोटी तो बायोटी का कॉन्स्टिट्यूंट कौन सा है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि बायोटीन के अंदर मिलता है तो बायोटिन हमारे लिए क्यों जरूरी होता है सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये हमारे हेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमें एग से या फिर स्प्राउट से बायोटिन मिलता है तो बायोटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सल्फर प्रेजेंट होता है ठीक है इसके अलावा जो सल्फर है हमारा एक होता है विटामिन बी के अंदर विटामिन बी के अंदर एक मतलब जैसे विटामिन बी के अंदर काफ़ी सारे विटामिन है विटामिन ए वन विटामिन टू इस तरीके से तो वहाँ पर भी हमारा जो है सल्फर मिलता है थायमिन के अंदर तो बायोटीन और थायमिन दोनों के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इन ए नॉर्मल एडर्स स्कैंडिंग ऑर्डर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स तो एक एडल्ट है तो वो आपसे पूछ रहा है कि बढ़ता हुआ ऑर्डर क्या होगा इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स का किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर तो यहाँ पर देखो हमारी जो बॉडी है एक सेकेंड तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा हम सॉल्ट्स लेते हैं तो क्या होगा पहले तो पोटेशियम आ जाएगा देन सोडियम आयरन एंड कॉपर तो ये इसका क्या है राइट right ऑर्डर है एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ए इज़ द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखो साइनोकोबाइल अमाइन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेचूरेशन ऑफ तो ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है साइनोकोबाइल अमाइन तो ये हमारे लिए किसके लिए रिक्वायर्ड होता है हमारी आर की फॉर्मेशंस फॉर्मेशन के लिए हमारे को क्या होता है ये रिक्वायर्ड होता है और ये है क्या एक्चुअली में विटामिन बी जो है उसे ही हम और क्या बोलते हैं साइनोकोबाइल अमाइन ठीक है तो इसे आप नोट no डाउन कर लो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी ट्वेल्व को हम और क्या बोलते हैं सो तो साइनो कोबाल अमाइन और ये क्यों जरूरी है आर बी सीज की मैनुफैक्चरिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एस विटामिन इनमें से कौन सा एसिड है जिसे हम विटामिन भी बोलते हैं यानी कि उसे हम ऐसा विटामिन भी है वो तो वो कौन सा है देखो एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता होगा कि जो विटामिन सी है उसे हम और क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं तो वो हमारा कौन सा विटामिन हो गया विटामिन सी जिसे हम और क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लीवर इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि ह्यूमन के लीवर के अंदर फॉर्म होता है तो वो हमारा कौन सा है विटामिन ए ये हमारी लीवर्स के अंदर फॉर्म होता है और कौन सी सेल्स से फॉर्म होता है इसे नोट डाउन कर लो पीटा कैरोटीन सेल्स से हैं जो कि हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं उससे हमारा विटामिन ए प्रोड्यूस होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जितने भी ये क्वेश्चन में डिस्कस करी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो साथ साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उसे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो

क्या गया हाँ जी विटामिन ए तो बी वन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ए में से ये किसका डेरिवेटिव है हमारा विटामिन ए का तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है देखो ये एम ए आई पी एम टी के अंदर हमारा आया भी हुआ है कि हमारा जो रेटिनॉल है ये हमारे रेटिनॉल में कौन सा वाला विटामिन होता है विटामिन ए और विटामिन ए कौन सा वाला विटामिन है अभी मैंने आपको बताया ये हमारा कौन सा है फैट सोलेबल विटामिन है ठीक है और अगर इसकी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो आइस के अंदर ये प्रेजेंट है सो आइस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं तो अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं तो आप बता सकते हो डिसऑर्डर तो नहीं मतलब तो एक तो तरीके से आपको साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हो तो इस तरीके से हमारी आइस को ये इफेक्ट करता है नाइट ब्लाइंडनेस इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं अगर विटामिन ए की डेफिशियंसी है बॉडी में अगला क्वेश्चन देखो सल्फर इज़ अ नॉट अ कॉन्स्टिटूट ऑफ सल्फर किसका कॉन्स्टिटेंट नहीं है यहाँ पर आपको बताना है कि सल्फर इसमें से किस चीज़ का कॉन्स्टिटेंट नहीं है तो जो हमारे इसका आंसर हमारा कौन सा है पायरी डॉक्सिन पायरी डॉक्सिन के अंदर सल्फर नहीं प्रेजेंट होता इसके अलावा ये जितने भी फेरीडॉक्सिन मेथिन सिस्टीन है इन सब के अंदर हमारा क्या है सल्फर प्रेजेंट होता है ठीक है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस डाइट डिड नॉट इंक्लूड बैलेंस डाइट किसको इंक्लूड नहीं करती कार्बोहाइड्रेट्स फैट को न्यूक्लिक एसिड एंड एनजैम को प्रोटीन्स एंड विटामिन को एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट को तो इसका राइट right आंसर देखो क्या होगा आपने पढ़ा होगा कि आपकी डाइट के अंदर वो सबकी बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की विटामिन की मिनरल्स सॉल्ट कार्बोहाइड्रेट फैट लेकिन न्यूक्लिक एसिड एंड जैम्स की बात नहीं की गई है तो यहाँ पर ये इसका बी इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स को और क्या बोलते हैं अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि जो हमारा विटामिन बे सिक्स है इसे हम और क्या बोलते हैं पायरीडॉक्सिन हाँ सॉरी ये वाला नहीं बताया विटामिन बी ट्वेल्व बताया था साइनोकोबाल माइन तो विटामिन बी सिक्स को पूछा हुआ है कि हम और क्या बोलते हैं पायरीडॉक्सिन तो इसे आप नोट डाउन कर लो अपनी बॉडी कॉपी के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन देखो विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी विटामिन डी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विटामिन है मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट तो इसका आपका राइट आंसर हमारा क्या होगा स्किन तो स्किन की हेल्प से हमारा विटामिन डी जो है प्रोड्यूस होता है तो इसे आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना ठीक है चलो नोट तो आप कर ही लोगे मैंने आपको बता दिया है तो अब एक हम डिस्कस कर दें क्वेश्चन को इन ह्यूमन परसेंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली तो ह्यूमन के अंदर कितना परसेंट होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का लिपिड्स का प्रोटीन्स का सो so इसका जो आंसर है राइट आंसर इसे नोट कर लीजिए वन फाइव वन फिफ्टीन एंड सेवनटीन तो ए इसका क्या है राइट आंसर है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का वन परसेंट है इसके अलावा लिपिड्स फिफ्टीन परसेंट और प्रोटीन सेवनटीन परसेंट है ठीक है ये हमारा क्या है ह्यूमन परसेंट ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अजेंशियल अमीनो एसिड इन एडल्ट ह्यूमन अब आपके क्वेश्चन ये है कि इनमें से हमारी जो अमीनो एसिड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं एक अजेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड तो इनमें से एक अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर कितने हैं मतलब हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एजेंशियल में डिफरेंस क्या है तो एजेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हम डाइट के अंदर लेते हैं यानी कि फूड की हेल्प से लेते हैं वो हमारे अजेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो हमारे कौन से होते हैं नॉन अजेंशियल अमीनो एसिड्स ठीक है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है नाइन तो हमारे नाइन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे को एज अ डाइट रिक्वायर होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर ए लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज बाय द एनिमल्स तो अगर हमारे को एनर्जी को स्टोर करके रखना है तो हम किसका यूज करेंगे अमीनो एसिड्स का ग्लूकोज का फैट का या फिर ग्लाइकोजन का तो हम सभी को देखो पता है कि हमारे जो फैट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये फैट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी विटामिन तो ये अभी अभी हमने पढ़ा भी था देखो कि कौन सा हार्मोन्स मतलब कौन सा विटामिन रिक्वायर है जो कि ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है तो ये दोबारा से है क्वेश्चन विटामिन के अगला क्वेश्चन विटामिन बी ट्वेल्व इज अ कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मिनरल तो विटामिन बी ट्वेल्व जिसे हम और क्या बोल रहे थे साइनो कोबाल अमाइन मैं आपको इस तरीके से देखो पढ़ा रही हूँ कि आपको पहले वाले क्वेश्चन भी आपके माइंड में रहें रिटेन रहें तो जैसे आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो एक बार शॉर्ट में आप इसे रिवाइज़ कर लेना पूरा कि आपको ये माइंड में क्वेश्चन हमेशा के लिए रहें ठीक है तो इसका आंसर क्या है हमारा विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर कौन सा हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है कोबाल इसे मार्क कर लो इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर विटामिन सी यानी कि विटामिन सी के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आलसोकॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड ये तो हमने पढ़ लिया कि विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं तो ये तो सही होगा ठीक uh, है नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ आल्सो कॉल्ड द फ्यूमेरिक एसिड नहीं है तो नहीं है इसे तो हम स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ठीक है तो ए तो सही है बी गलत है अगली स्टेटमेंट क्या है ऑब्टेन फ्रॉम द सिट्रस फूड हाँ जो हमारे को विटामिन सी है ये हमारे को जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया आपका मौसमी हो गई तो इससे हमारे को विटामिन सी मिलता है तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा बोथ ए एंड सी ठीक है ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं यहाँ पे देखो अब एलिमेंट्री रिले कैनाल्स है जो हमारा एंड ऑब्जॉपन के अंदर अब ये कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं तो ये मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से एक सेकेंड